गुड मॉर्निंग। सो इट्स माय सेकेंड डे इन प्रयागराज। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की ब्लॉग की शुरुआत अच्छे से करते हैं। Hey guys, चाय वगैरह मैंने पी ली है, मैं पूरा फ्रेश हो गया अच्छे से और मैं अभी कनेक्ट हो गया। सो अभी मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा हूँ, मुझे सत्यन कनेक्ट करके दे रहे हैं। सो अपना काम है यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ और फिर जैसे भी रहेगा वैसे फिर कंटिन्यू करेंगे। बाहर दोपहर में कभी घूमने निकलना रहेगा, सो देखेंगे। सो स्टे ट्यून। सो हे गाइस, क्या करें, प्रीति का नया नया जॉब यहाँ पे लाया है। दीदी और मैं नहा लिया हूँ, दीदी भी मेरे लिए एप्पल काट रही है और प्रीति यहाँ पे खाने की तैयारी में लगी हुई है। सत्यम गए हैं साइड पे और शिबू मुझे पानी वानी पिला दिए हैं। थोड़ा सा काम करने के बाद में प्रीति को ग्रेप्स और एप्पल खाने के लिए मिला, थोड़ा एनर्जी मिलेगा और क्योंकि खूब और सारा काम करेगी है ना। सो हमारे लंच का टाइम हो गया है, हम लोग अपना फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम करेंगे और शाम को फिर घूमने निकलेंगे। तो दिन भर का काम करके एकदम पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ और अभी फाइनली हम लोग घूमने की तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं। मतलब कहाँ जाना है सत्यम? कंपनी गार्डन। कोई कंपनी गार्डन है, हम सब सारी कंपनी रेडी हो रही है, देखते हैं कि वहाँ पे चल के क्या है और कैसे है, सारी सारी चीज़ें फिर से एंजॉय करेंगे। टिंकी चल रहे हो ना? सो शाम का समय है, बज गया है 7:15। काम खत्म कर लिया हूँ और जा रहे हैं हम कंपनी गार्डन। यहाँ पे इसका नाम कंपनी गार्डन है, बट अगर वहाँ पे जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ई रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे यूपी में आने का थोड़ा सा अलग ही एहसास है। सेटिंग की बहुत तेज हो रहा है, देखो बिल्डिंग वगैरह भी यहाँ पे काम है। अल्लाह को चले जाइए, अल्लाह टाइम आप दिए जाओ साथ में। देखो ना हाथी को, देखो ना कैसा हो गई है, क्या लगा इसमें? लगाए तुमको लग रहा लगा? विक्टोरिया मेमोरियल। सो ये विक्टोरिया मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल अल्फ्रेड पार्क से आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट करना अल्फ्रेड पार्क किससे जुड़ा हुआ है। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल। दिन के समय में आता तो मुझे क्लियर मालूम, अच्छे से तस्वीरें दिखती, बट मैं रात के समय आया हूँ तो ज़्यादा क्लियर यहाँ पर नहीं दिखेगा, बट फिर भी आप देखना, प्लीज़ कमेंट करना कि अल्फ्रेड पार्क किससे जुड़ा हुआ है और अल्फ्रेड पार्क क्या है, आप प्लीज़ कमेंट करना। अगर कोई इतिहास यहाँ पर थोड़ा भी पढ़ा रहेगा, हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा रहेगा, तो उसे बहुत अच्छे से मालूम होगा कि अल्फ्रेड पार्क क्या है और इतिहास में अल्फ्रेड पार्क किस तरह से महत्व रखता है। प्लीज़ कमेंट करना। और ये नाम लेते हुए बोलते हुए मेरे जो रोंगटे हैं पूरे खड़े हो जा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिल से नमन करता हूँ श्री शहीद आजम भगत सिंह तो हैं ही, साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने इसी अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए आखिरी गोली उन्होंने स्वयं को मारी थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्होंने साफ कहा था, उनका साफ मानना था कि जीते जी कभी भी वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंत तक वो नहीं आए। ए विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे एक तो कोई छूट रहा है। सो हम सभी लोग अभी अल्फ्रेड पार्क में घूम रहे हैं रात के 7:15 बजे।
एक्चुअल मुझे स्टैचू के पास जाना है, सो मैंने शिबू को ये बोला कि सबसे पहले स्टैचू के पास लेके चलो, मैं जरा देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा फील करना चाहता हूँ। एंट्री नहीं है क्या? अंदर एंट्री नहीं है? एंट्री का फीस अलग। चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ पे मिलेगा? तो म्यूजियम यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाता है भाई, जिसी को भी आना हो अल्फ्रेड पार्क में या फिर आप कहें चंद्रशेखर आज़ाद का जो पार्क है, 5 बजे आपको टिकट काउंटर बंद मिलेगा म्यूजियम का, उसके पहले आप आके यहाँ पे देख लीजिए। मेरी जाने की बड़ी इच्छा थी बट म्यूजियम बंद हो गया, शाम को 7:30 बजने आए लगभग। और यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि 5 किलोमीटर कैंपस में फैला हुआ है, इसके बारे में मैं और भी डिटेल निकालूंगा यहाँ से जाने के बाद में। वीडियो तब तक बन चुकी होंगे लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना एक बार डिस्क्रिप्शन, तो आपको अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा इस पार्क के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, सारी कुछ जानकारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह भी मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एग्जिट गेट 3 के जस्ट सामने। तो हम लोग वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मैं आपको बता रहा था, यही वो स्थल है, सामने आप प्रतिमा देख सकते हैं। तो अल्फ्रेड पार्क में आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सच में यहाँ पे आने के बाद में जो फीलिंग आती है कहीं कि वो दिल से निकल के सामने आती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो प्रतिमा है वो अपने में काफ़ी ऐतिहासिक है, जगह भी काफ़ी ऐतिहासिक है। सो प्लीज़ जो भी प्रयागराज एक बार विज़िट करें, मैं सभी से उम्मीद एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एक बार यहां पे आइए और इस प्रतिमा को या इस ऐतिहासिक जो स्थल है, जो धरोहर है, सबको एक बार आप खुद से आने के बाद में यहां पे खुद देखिए कि यहां पे चीज़ें कैसी हैं और यहां की चीज़ों को आप फील करिए। यही वह पेड़ है ऐसा कहा जाता है, मतलब दिखेगा नहीं आपको रात के समय बट आप जब दिन में आओगे तो आपको दिखेगा। एक्चुअली मैं उसको करीब भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो करीब आके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यही वो पेड़ है जिसके नीचे आपने वीडियोस वगैरह में, आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगे वहाँ पे, जिन्होंने खुद को गोली मारी थी उन्होंने अपने आप को। सो यह पेड़ वही है, और मेरे साथ आप भी इस इतिहास के साक्षी हो लीजिए, मतलब जो भी वीडियो आप देख रहे हैं। सो पेड़ आप देखिए पूरा अपने में विशाल है, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ पे आने के बाद कितना अच्छा लगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं जिन्हें मैं फोटोज़ के फॉर्म में वीडियो में रख दूंगा, आप सभी लोग इसे पढ़ लेना, आपको एंट्री गेट पे मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं बट इसके अलावा भी जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे गए सारी की सारी चीज़ें मैं फ़ोटोज़ के फॉर्म में वीडियो में रख लूँगा, तो आप पूरे अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे, जान पाएंगे चीज़ों को कि है यहाँ पे क्या। सो आप देख सकते हैं रात के समय काफ़ी खूबसूरत लगता है, और दिन के समय खूबसूरती रात से बिल्कुल भी कम नहीं होगी।
इलाहाबाद म्यूज़ियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। मैं इस म्यूज़ियम में विज़िट नहीं कर पाया क्योंकि इस म्यूज़ियम का कुछ टाइमिंग है जिसके इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ और फ़ोटो भी खींच लेता हूँ, आप अच्छे से देख लेना और उसी के हिसाब से आना। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है बट मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ। सो आप फ़ोटो जूम करके देख लेना। यहाँ पे कुछ यहाँ पे चार्जेस मेंशन किए हुए हैं, स्टूडेंट अप टू क्लास 5th 5 रुपये है, स्टूडेंट एंड टूरिस्ट अप टू एज 18 20 रुपीज़ है, एडल्ट इंडियन टूरिस्ट 500 रुपये है, इंडियन टूरिस्ट फोटोग्राफी फ़ीस अगर इंडियन टूरिस्ट है तो 100 रुपये लगेगा, फॉरेन टूरिस्ट है तो 500 रुपये लगेगा। उसके बाद में कैफेटेरिया आपको अंदर मिल जाएगी, ऑडिटोरियम विथ फी फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स है तो 12,000 रुपये लगेगा, बिग ऑडिटोरियम कैपेसिटी 150 लोगों की है लगभग 12,000 रुपये लगेगा, स्मॉल ऑडिटोरियम कैपेसिटी 50 लोगों की है और 5,000 रुपये का आपको यहाँ पर फीस लगेगा। फ्री एंट्री फॉर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट, ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उनकी एंट्री फ्री है। क्लोजिंग डेज की अगर मैं बात करूँ तो वीकली ऑफ रहते हैं मंडे को, सेकेंड संडे को और उसके बाद में सेकेंड सैटरडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडे जितने भी रहते हैं वहाँ पे रहेगा। पब्लिकेशंस बुक्स सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हैं तो मैं एक फ़ोटोज़ लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख दूँगा, आप अच्छे से वीडियो पॉज करके ना पढ़ लेना तो आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ऊपर से मैं नीचे से एक बार आ जाता हूँ, इनके ऑर्डर हैं मेनली आपको फ़ीस वगैरह एंट्री फ़ीस वगैरह कितना है सारी की सारी चीज़ें आपको। और हाँ, टाइमिंग क्या है, 10:15 मॉर्निंग से लेके 4:45 5:45 शाम को है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो यही था मतलब जो मैं मिस कर दिया, मैं रात में 8 बजे आया हूँ। यहाँ पे वही चीज़ हिंदी में लिखी गई है, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ, सेम चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पर इंग्लिश में लिखी थी वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी गई। यहाँ पे गंगा विश्राम स्थल है प्रयागराज विकास प्राधिकरण और यहाँ से इस तरीके से गेट नंबर 2 से हम बाहर निकल जाएंगे। इसके बारे में ज़रा एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, इसको मैंने फ़ोटो तो लिया है, छोटे छोटे फ़ोटो इसमें फिर भी देख लेना। और हम बाहर आ गए यहाँ से गेट नंबर 2 से। यहाँ पे कुछ नहीं है, टिकट काउंटर यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। मैं यहाँ पे सुबह से उठा था, जैसा कि मैंने पूरे वीडियोस में मैंने बताया, डे 1 मेरा था आज प्रयागराज में, सुबह उठा फ्रेश हुआ, उसके बाद चाय वगैरह किया, नहाया, पूरे दिन का मैं ऑफिस का काम किया, ऑफिस का काम करने के बाद में हमने शाम को प्लान किया और मैं यहाँ से फिर निकल के यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो स्मारक यहाँ पे बना हुआ है उस पार्क में हम आए, जिसे लोग कंपनी गार्डन के नाम से बोलते हैं। मैंने आपको अच्छे से दिखाया कि यहाँ पे क्या कुछ है, कैसे है, सारी की सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की। रात होने की वजह से समय का अभाव था, मैं म्यूज़ियम वगैरह कवर नहीं कर पाया बट मैं कोशिश करूँगा कि किसी और वीडियो में कभी और दिन में आके सारी के सारे में जो भी स्पॉट्स अंदर है टाइम से आऊँ और सारी की सारी चीज़ें मैं कवर करूँ। मैं यहाँ पे ए व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, वीवीआर जाने का कुछ प्लानिंग हो रहा है, अगर वो वीडियो आएगा तो अलग से वीडियो में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हिस्टोरिकल प्लेस मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।